नमस्कार साथियों, एग्जाम एंड सक्सेस 0.22 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारा ये जो चैनल है, ये स्पेशली MPTET वर्ग 3 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं। तो हम पिछले दो वीडियोज में आपको परिवार के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन दिया था, इसके साथ परिवार की क्या विशेषताएँ होती हैं उसके बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको परिवार के प्रकार के बारे में बताया जाएगा कि हकीकत में जो इंडिया में कितने प्रकार के, इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, इन परिवार के बारे में आपको सामान्य छोटा सा परिचय दिया जाएगा। इसमें से परिवार के प्रकारों में जो पहला प्रकार है वो है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिवार को जो है तो एक ही बार यानी कि एक ही भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि परिवार कई प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला जो परिवार का प्रकार है वो है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार को हम मूल दाम्पत्य परिवार के नाम से जानते हैं, या इसे हम नाभिक परिवार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार के परिवार में केवल माता पिता एवं बच्चे ही शामिल होते हैं। और जैसे ही जब बच्चे की शादी हुई तो वो अपने परिवार से जो है तो यानी कि अपनी पत्नी को लेके अलग हो गया, और इस प्रकार के परिवार को जो है तो एकाकी परिवार के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का परिवार सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में तो नहीं लेकिन शहरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इस एकाकी परिवार यानी कि इसे हम इसका एकाकी परिवार के होने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आज व्यक्ति केवल फ्री होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, कि हमें किसी प्रकार का मेंटली रूप से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो जो है तो एकाकी परिवार को अपनाना चाहता है। इसके लिए आज इस इंडिया में देखा जा रहा है कि जितने भी यानी कि बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनको प्रायः जो है तो वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, या कि फिर उन्हें जो है तो घर से निकाल दिया जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक अधिनियम 2007 पारित किया। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया कि कोई भी वृद्ध ये माता पिता या वरिष्ठ नागरिक है उसकी देखभाल करने के लिए उसका परिवार जो है, उसके परिवार बच्चे या जो कुछ भी उसके बहू हैं, वो कानूनी रूप से बाध्य होते हैं, यानी कि उनकी सेवा उनके बुढ़ापे तक यानी कि जब तक वो लाश नहीं हो जाते तब तक उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में साथियों क्या होता है कि संयुक्त परिवार में जो है तो माता पिता एवं बच्चों के साथ साथ उनकी एक और पीढ़ी जिसमें चाचा चाची ताऊ एवं उनके बच्चे बच्चियां सब शामिल हो जाते हैं। और सामान्यतः प्राचीन भारत में जो है तो संयुक्त परिवार ही मुख्य रूप से पाया जाता था, लेकिन आज के परिवेश में जो है तो संयुक्त परिवार कहीं कहीं देखने को मिलता है, अन्यथा संयुक्त परिवार की जो है तो धीरे धीरे परंपरा इस इंडिया जैसे देश में भी समाप्त होती जा रही है। इसके साथ ये जो है तो ग्रामीण इलाकों में संयुक्त परिवार सामान्यतः देखा जा सकता है, शहरों में तो सामान्यतः नहीं है। इसके साथ है अगला जो है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में साथियों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि संयुक्त अपने जो पितृपक्ष के अलावा, कहने का मतलब यह है कि अगर एकाकी परिवार में जो है तो कौन है, केवल माता पिता एवं बच्चे हैं। अगर इस परिवार में कोई भी रिलेशन के सदस्य आके रुकते रहने लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि मामा आ गए या मामा के लड़के आ गए या कोई भी अन्य कोई रिलेशन वाले सदस्य इसमें रहने लगे, तो इस प्रकार के परिवार को जो है तो विस्तृत परिवार के नाम से जाना जाता है। अगला जो है तो अधिकार के आधार पर। अधिकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। अधिकार के आधार पर मुख्य रूप से पहला है पितृसत्तात्मक या पितृमार्गी। पितृमार्गी का मतलब यह है कि ऐसा परिवार जिसमें जो पिता के शासन के अधीन चलता
हो, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा उस परिवार का पूरा नियंत्रण होता हो, पूरा देखरेख होता हो, इस प्रकार के परिवार को पितृ सत्तात्मक या पितृमार्गी परिवार के नाम से जाना जाता है। और प्रायः भारत में जितने भी परिवार हैं वो पितृ सत्तात्मक परिवार के अंतर्गत ही हैं। शायद रीट या किसी एग्जाम में यह पूछा गया था कि भारत में अधिकांशतः किस प्रकार के परिवार की अधिकता पाई जाती है, तो सामान्यतः दोस्तों भारत में जो है तो पितृ सत्तात्मक जो परिवार है सामान्यतः हर जगह देखने को मिलता है, हमारे यहाँ और आप सभी के यहाँ भी। दूसरा है मातृ सत्तात्मक परिवार। मातृ सत्तात्मक परिवार या मातृ मार्गी परिवार वह परिवार होता है जिसमें जो परिवार का नियंत्रण है, परिवार का देखरेख है, उसका जो अधिकार है वो एक बुजुर्ग महिला के हाथों में होता है, उसे जो है तो पितृ सत्तात्मक परिवार या मातृ मार्गी परिवार के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का जो परिवार है वो असम के खासो एवं गारो जनजातियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मातृ सत्तात्मक परिवार है ये जो है असम में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं खासी और गारो, उनमें जो है तो मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा नायरों की जनजातियों में भी मातृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। इसके अलावा अगला जो है निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के, यह देख लेते हैं। पितृस्थानी परिवार। पितृस्थानी परिवार का मतलब यह है कि ऐसा परिवार जिसमें किसी भी बच्चे की शादी होने पर या विवाह होने पर वो अपने पिता के यहाँ जाकर रुकता है, मतलब वो अपने घर में आकर रुकता है। इस प्रकार के परिवार को जो है तो पितृस्थानी परिवार के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का परिवार जो है तो सामान्यतः हर एक इंडिया में हर एक जगह पाया जाता है, ठीक है, कुछ जनजातियों को छोड़कर। इसके अलावा जो है मातृस्थानी परिवार। मातृस्थानी परिवार कहने का मतलब यह है कि ऐसा परिवार जिसमें लड़के का अगर विवाह हो गया तो वो जो है अपने पितृ यानी कि अपने घर ना जाकर वो लड़की पक्ष के यहाँ जाके घर जमाई बन के रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को जो है तो मातृस्थानी परिवार के नाम से जाना जाता है। और मातृस्थानी परिवार जो है वो मालवार के नायरों में असम के खासी एवं गारो जनजातियों में ये मुख्य रूप से मातृस्थानी परिवार पाया जाता है। इसके बाद अगला है यानी कि नवस्थानी परिवार। दोस्तों नवस्थानी परिवार वह परिवार होता है जिसमें बच्चे की विवाह होने के बाद वो ना तो पितृस्थान पर रहता है ना तो मातृस्थान पर रहता है, बल्कि वो किसी अन्य जगह पर जाके अपना निवास स्थान बनाता है। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उससे नवस्थानी परिवार के नाम से जाना जाता है। और ऐसे जो परिवार हैं वो नाइजीरिया के हौसा जनजाति, ये जो है नाइजीरिया के हौसा जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। कौन से परिवार? नवस्थानी परिवार नाइजीरिया के हौसा में। इसके बाद जो है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार ऐसा परिवार जिसमें बच्चे का विवाह होने के बाद यानी कि जब बच्चे का विवाह हो गया वो माता के घर में रह सकता है या कि फिर पिता के घर में रह सकता है, दोनों में से किसी भी स्थान पे वो रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे ही लड़के का विवाह हुआ वो जब तक यानी कि शादी नहीं हुई सॉरी जब तक यानी कि वो खाली है तब तो ठीक है, अब जैसे ही उनके पास एक भी बच्चा अगर जन्म ले लिया तो वो संतान होने के पहले वो अपनी माता के घर, और जैसे ही संतान उत्पन्न हो गई वो अपने पिता के घर जाके रहने लगी। इस प्रकार के जनजातियों इस प्रकार का जो परिवार होता है वो टिवद्वीप में पाए जाने वाली जनजातियों कहाँ पर टिवद्वीप में पाए जाने वाली जो जनजातियाँ हैं वहाँ पर जो है कि मातृ पितृ स्थानीय परिवार पाया जाता है। इसके बाद साथियों मामा या मातुल्य स्थानीय परिवार। मामा या मातुल्य स्थानीय परिवार कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा परिवार होता है जिसमें बच्चे का विवाह होने के पश्चात वो मामा के घर में जाके रहता है।
वो मामा के घर में जाके रहता है। ऐसे परिवार को जो है मामा या मातुल्य परिवार के नाम से जाना जाता है। ऐसा परिवार ट्रोवियांडा द्वीप समूह में पाए जाने वाली जनजातियों में पाया जाता है। मामा या मातुल्य जो परिवार है वो ट्रोवियांडा द्वीप समूह में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें मामा या मातुल्य स्थानीय परिवार पाया जाता है। इसके बाद साथियों उभय या द्विस्थानी परिवार। उभय या द्विस्थानी परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें लड़के एवं लड़की के विवाह होने के बाद, लड़का एवं लड़के के विवाह होने के पश्चात जो लड़का होता है अपने घर में रहता है, लड़की जो है वो अपने घर में रहते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर इसमें थोड़ा अजीब बात होती है कि जब रात होती है तो जो लड़का होता है वो रात को लड़की के यहाँ चला जाता है और जैसे ही सुबह यानी कि किसी का मुँह न दिखे तो अपना मुँह छिपाते हुए अपने घर वापस आ जाता है। इस प्रकार का जो परिवार है वो केरल एवं लक्षद्वीप में पाया जाता है। इस प्रकार का जो परिवार है वो प्रायः केरल एवं लक्षद्वीप में जो जनजातियाँ होती हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगला साथियों वंश के आधार पर। वंश का आधार मतलब ये है आपका अधिकार के आधार पर, सेम यानी कि जो पितृ सत्तात्मक है उससे सिमिलर है पितृवंशी और जो मातृ सत्तात्मक मातृमार्गी है वो है मातृवंशी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है ऐसा परिवार जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों परिवार की देखरेख हो एवं परिवार का संपूर्ण परिवार पर संपूर्ण नियंत्रण हो। और मातृवंश यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें परिवार पर जो संपूर्ण नियंत्रण रखने वाला हो, अधिकार करने वाला हो, वो कोई बुजुर्ग महिला या माता हो। इसके पश्चात उभयवादी परिवार। उभयवादी परिवार ऐसा परिवार होता है साथियों जिसमें जो परिवार का शासन है वो माता के अनुसार भी चले या पिता के अनुसार भी चले। अर्थात इसमें जो है तो बुजुर्ग पुरुष एवं महिला दोनों ही परिवार पर नियंत्रण रखते हैं। और इसके पश्चात जो अगला है द्विनामी परिवार। द्विनामी परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें द्विनामी परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें एक परिवार का जो संबंध दादा नानी के साथ होता है वो छोड़कर दादी और नाना के साथ हो जाता है। द्विनामी परिवार ध्यान दीजिएगा साथियों एक ऐसा परिवार होता है जिसमें जो व्यक्ति का संबंध वो दादा नानी के साथ छोड़कर वो दादी और नाना के साथ हो जाता है। इसके पश्चात हमारा जो अगला परिवार का प्रकार है वो है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर साथियों एक विवाह या एक पत्नी परिवार आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से वीडियो देखने वाले अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि पारिवारिक होंगे, मतलब उनके बच्चे और शादी विवाह वगैरह हो गए होंगे तो उनको पता होगा कि अपने यहाँ जो है तो भारत में एक विवाह प्रथा प्रचलित है। इसके साथ बहुत सारे यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में कुछ एक विवाह के अलावा बहुविवाह भी प्रचलित हैं और बहुपत्नी भी प्रचलित हैं। तो विवाह के आधार पर पहला है एक विवाह यानी कि जिसमें व्यक्ति का केवल एक ही बार विवाह हो। दूसरी बार जो है तो बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का एक से अधिक बार विवाह होना। साथियों एक व्यक्ति का एक से अधिक बार विवाह प्राचीन भारत में जो राजवंश थे वहाँ पे होता था, एक राजा के कई सारी पत्नियाँ होती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है तो ये प्रथा बहुत कम क्षेत्रों में लागू है। कहाँ पे लागू हो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसमें पहला है बहुपत्निक विवाह। बहुविवाही परिवार में बहुपत्निक विवाह। बहुपत्निक विवाह एक ऐसा विवाह जिसमें एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हों, जिसमें एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हों। और अब इसके पश्चात जो है इसमें जो बहुपत्निक विवाह में जो है वो प्रायः आदिवासियों में होता है, जैसे कि नागा हो गया, गौंड हो गया, बैगा हो गया, टोड हो गया, भील हो गया, इन जनजातियों में जो है तो बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। इसके पश्चात बहुपतिक विवाह। बहुपतिक विवाह का एक आपके पास सामान्य सा उदाहरण है पांडव। पांडव पांच थे लेकिन उनकी केवल एक ही पत्नी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुपतिक विवाह कितने प्रकार के हो सकते हैं,
तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला अभात्रिक, दूसरा भात्रिक और तीसरा समूह विवाह। अभात्रिक, अभात्रिक कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा विवाह होता है जिसमें एक ही परिवार के, यानी कि एक ही माता के गर्भ से जन्म लेने वाले सारे बच्चे हों और उनकी जो है तो केवल एक ही पत्नी हो, इसको कहते हैं अभात्रिक, सॉरी उसे कहते हैं भात्रिक। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही माता के गर्भ से चार बच्चे जन्म लिए और उनका विवाह जो है तो एक ही पत्नी के साथ हुआ तो उसे कहेंगे हम भात्रिक। और इसके बाद अगर जो अलग अलग माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे हैं और उनका जो विवाह है वो किसी एक लड़की के साथ होता है उसे हम कहते हैं क्या, अभात्रिक। यह भी प्राय दोस्तों बार बार बताया जा चुका है कि ये जितने भी बहुपतिक विवाह हो, बहुपत्निक विवाह ये होते हैं, प्रायः ये असम में पाए जाने वाले खासी एवं गारो जनजातियों में, नागा, टोड, भील, बैगा आदि जनजातियों में इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद है समूह विवाह। समूह विवाह जो है तो प्राय ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में पाया जाता है और इसमें ऐसा होता है कि एक समूह में, यानी कि एक समूह में लड़की को एक समूह में लड़के को कर दिया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो जितनी भी लड़कियां होती हैं, जितनी भी यानी कि उसमें शादी होती है, तो हर एक व्यक्ति के साथ संबंध बना सकती हैं और हर एक व्यक्ति जो है प्रत्येक स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। इस प्रकार से यह बहुपतिक विवाह हुआ। इसके पश्चात दोस्तों भारत में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम, भारत में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो है तो केवल एक पत्नी विवाह को ही स्वीकृत दिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात जो लिंटन नामक एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परिवार को समरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार के आधार पर बांटा है। इस प्रकार साथियों अपना यानी कि परिवार का जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक है परिवार का प्रकार, आज का ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ कमेंट जरूर करें साथियों, अगर इसमें कुछ भी अच्छा है या फिर कुछ बुरा भी है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।